हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन को लेकर यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, और इसी के साथ में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और किस तरीके की अगर आप गलती करते हैं तो जो आपका यूट्यूब चैनल है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं, उन गलती को आप मत कीजिएगा वरना आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बंद किया जा सकता है, ठीक है। और आपको किस स्थिति में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है वो भी हम जानेंगे, और किस किस तरीके के अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको वार्निंग या फिर स्ट्राइक या फिर आपका चैनल ही बंद किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं आखिर डिस्कशन क्या होता है। जो भी आप चीज़ टाइटल में लिखते हैं और जो भी चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो वीडियो में जो भी आप बताते हैं उसी से ही रिलेटेड आपको टाइटल लिखना होता है। अब टाइटल को ही आप कॉपी करके आप अपने डिस्कशन में लिख सकते हैं, इसी के साथ में आप उसमें कुछ विस्तार से बता सकते हैं और आप वहाँ पर हैशटैग लगा सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैशटैग हैं वो यहाँ पर 50-100 लगाते हैं, ठीक है। अधिक में अधिक आप 15 लगाएं तभी अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर 15 के पार जाते हैं तो जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, ठीक है। YouTube की तरफ से 15 हद में हद हैशटैग लगाने का कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ में टैग है, टैग में भी वही आप यहाँ पर टैग डालें जो आपने वीडियो बनाई है जिस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे टैग डालते हैं जो कि उस समय वायरल में चल रहे हैं और उस चीज़ से रिलेटेड आपकी वीडियो ही नहीं है तो YouTube का जो एल्गोरिथम सिस्टम है उससे कैप्चर कर लेगा और आपके चैनल को बंद कर देगा, ठीक है। इसी के साथ में अब जो YouTube का एल्गोरिथम सिस्टम है वो आखिर काम किस तरीके से करता है, हमारी वीडियो को किस तरीके से पता लगा लेता है, ठीक है, वो चलिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की बात है जल्दी कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहली बात तो वहीं पर ही चेक होके जाती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को चेक करती है कि जो आपकी वीडियो है आपने कहीं से ली तो नहीं है, जैसे कि जिसके चैनल पर एडी कंटेंट मिला हुआ हो, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर तुरंत बता देगा, ठीक है, कि इस पर क्लेम है और आपने वहाँ से उस मूवी के शॉट को लिया या फिर आपने वहाँ के सॉन्ग को लिया या फिर आप जो भी वीडियो बना रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बराबर से कुछ निकल के जा रहा है और उस सॉन्ग की आवाज़ हमारी वीडियो में कैप्चर हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। इसी के साथ में और भी कई सारी टर्म कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप कहीं से फ़ोटो वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जो से पहले से एडी कंटेंट मिला हुआ है उसके चैनल का, ठीक है, तब आपको वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक नहीं पड़ती है। अब स्ट्राइक अलग चीज़ होती है, कॉपीराइट अलग चीज़ होता है और स्ट्राइक वार्निंग अलग चीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या फिर आप कहें तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा 2024 के रूल से, ठीक है। जैसे कि मूवी होती है, ठीक है, तो उस समय वो नई नई आती है और वो ट्रेंड में चलती होती है, तो उसी से ही रिलेटेड हम अपनी वीडियो में कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है वो वीडियो को यहाँ पर रीड करता है, ठीक है। जैसे कि आप जब भी वीडियो आपकी चलती है और उस वीडियो में जो भी चीज़ बोली जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को वो वहाँ पर रीड करता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि YouTube का एक ऐसा सिस्टम है वहाँ पर ऑटोमेटो ही जो कैप्शन होते हैं वो पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी वीडियो को पूरी तरीके से चेक कर लेता है कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को वहाँ पर चेक करता है, अगर वहाँ लगता है कि यहाँ पर ये कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, इससे किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में यह है कि वो उतनी ही चीज़ को वहाँ पर कैप्चर करता है और आपको डायरेक्ट स्ट्राइक वार्निंग वहाँ पर दे देता है, ठीक है। इससे यह है कि जो आपके चैनल पर 90 दिन तक वो स्ट्राइक बनी रहती है, हालांकि अब तो यहाँ पर हटाने का ऑप्शन मिल गया है। अगर आप कोई भी पहली बार गलती करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग देनी होती है और आपकी वो स्ट्राइक है वो हट जाती है 90 दिन तक, ठीक है। तो ऐसे में ये था पहले कि वो आपकी वार्निंग सदा बनी रहती थी, ठीक है, पर वो नहीं हटती थी। ये रूल अभी जल्दी में ही लागू हुआ था कि जो वार्निंग है वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर पहले की आप कभी भी वीडियो देखेंगे कि हालांकि स्ट्राइक वॉयलेशन वार्निंग क्या होती है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी डिटेल में वीडियो हो जाएगी। तो जो मेन पॉइंट है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ डालनी है, जैसे कि अपने टाइटल डाल सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं 3-4 या फिर 15 तक, ठीक है, 15 से ज़्यादा मत लगाइएगा, ठीक है। इसी के साथ में हैशटैग और आप जो भी चीज़ उसमें लिख रहे हैं वो वीडियो से ही रिलेटेड आपकी होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में टैग भी आपकी वीडियो से ही रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली बात है वो ये है कि अगर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है, तब भी आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिला था, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारी वीडियोस को चेक किया जो जो वीडियोस को बता रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके का भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डालना है, अपनी वीडियोस के बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है, वरना आपका चैनल है वो यहाँ पर ख़त्म यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।